तो वेलकम है सभी का मेरे चैनल पे टिनटिन व्लॉग्स में। पहले जो कि मेरे चैनल का नाम हुआ करता था प्रिनीत व्लॉग्स, बट मैंने चेंज करके उसको कर दिया टिनटिन व्लॉग्स। क्यों करा है? क्योंकि लोग मुझे अधिकतर टिनटिन फोटोग्राफी नाम से जानते हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि चैनल भी ओपन टिनटिन व्लॉग्स ही कर देते हैं, लोग कन्फ्यूज ना हो। भाई आज मैं जो गाड़ी लेके आया हूँ वो लेके आया हूँ टाटा का जितने भी कलेक्शन है मेरे पास, ज़्यादा नहीं सिर्फ चार गाड़ियों का ही है। तो चारों गाड़ियाँ मैं आपको दिखा देता हूँ, नैनो, इंडिगा विस्टा, वेंचर और लास्ट है जेस्ट। तो पहले कौन सी गाड़ी से चालू करते हैं टाटा नैनो से। छोटी गाड़ी है, 1/43 स्केल है। टाटा ने खुद इसको ऑफिशियली मर्चेंडाइज कलेक्टेबल में ही बनाया गया है। तो आओ फटाफट स्टार्ट करते हैं वीडियो को और मैं आपके सामने दिखाता हूँ गाड़ी और आज का वीडियो के क्लैरिटी और प्लस जो वीडियो क्वालिटी आ रही होगी बहुत प्यारी आ रही होगी, क्योंकि अब जो वीडियोस आएंगे वो इसी क्वालिटी में ही आएंगे, क्योंकि बन रहे हैं DSLR से। अभी तक मैं बनाता था GoPro से, तब मैं बना रहा हूँ DSLR से। तो आओ फटाफट स्टार्ट करते हैं। और ये रही टाटा नैनो आपके सामने येलो कलर की, ये है टाटा नैनो। आप देख सकते हो डिटेलिंग कितनी प्यारी दी हुई है इन्होंने, कितनी ज़्यादा प्यारी है, बहुत ही ज़्यादा अच्छे से इसको बनाई गई है गाड़ी को। आप पूरी प्रॉपर देखो यार, कितनी बढ़िया तरीके से डिटेलिंग की है, मतलब एक एक चीज उसमें डिटेल्ड में। अगर हम बैजिंग की बात करें, बैक साइड की बैजिंग की बात करें, वाइपर्स की बात करें, ऑल दो पीछे तो वाइपर नहीं है, और इंटीरियर की बात करें, डैशबोर्ड की, सामने जो इसमें कट्स दिए हुए हैं, एक्चुअल जो गाड़ी में होता है ना सारी चीज़ें दी हुई है, बहुत ही प्यारे तरीके से मेंशन है। और अगर हम व्हील्स की बात करें तो व्हील्स में जो इसमें डिज़ाइन दी हुई है, जो एक्चुअल में डिज़ाइन होती है टाटा नैनो में जो है, वैसी ही दी हुई है। और प्लस ये पूरी गाड़ी मेटल की है, और जहाँ ग्लास होना चाहिए वहाँ ग्लास है। अगर हम हेडलाइट की बात करें, टेल लाइट की बात करें, विंडोज़ की बात करें, विंडशील्ड की बात करें, विंड ग्लासेस की बात करें, सारी चीज़ इसमें ग्लास की दी हुई है, जहाँ पे ग्लास होना चाहिए, जहाँ पे जो कलर मेंशन होना चाहिए वो कलर दिया हुआ है। इंडिकेटर्स के कलर में अगर ऑरेंज है तो ऑरेंज ही दिया हुआ है। इसमें जो चाबी से अनलॉक और लॉक किया जाता है गेट, तो वो भी ऑप्शन वहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे जो पीछे साइड कट दिया हुआ था वो भी दिया हुआ है अच्छी तरीके से। पीछे की हम बात करें तो छोटा सा साइलेंसर दिया हुआ है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे इस पोर्शन पे। तो अगर मैं डिटेलिंग की इसकी बात करूं, टाटा ने जो गाड़ियां दी हैं वो बहुत ही प्यारे डिटेलिंग दी है। और जो बैजिंग भी की है ना, वैसे नहीं कि स्टिकर चिपका हो, प्रॉपर प्रिंटेड है वो। सामने भी अगर हम बात करें आप देख सकते हो प्रॉपर प्रिंटेड है। और मैंने इस गाड़ी को इसलिए ऐसा पकड़ा ताकि आपको बहुत अच्छे से दिख सके। मैं दिखा रहा हूँ इंडिगा विस्टा, ये देख सकते हो आप कितनी प्यारी डिटेलिंग दी हुई है, ऑल दो व्हाइट कलर की है। पीछे इसमें वाइपर है, सामने वाइपर है, डैशबोर्ड जो एक एक चीज दी हुई, और मैं जो देख पा रहा हूँ इसमें स्टेयरिंग पे टाटा का लोगो दिया हुआ है। पीछे हम बैजिंग की बात करें तो सिल्वर कलर से मेंशन है, व्हाइट कलर में हो सकता है, नहीं दिख रहा हूँ। यहाँ पे टेल लाइट का जो ब्रेक लाइट होता है ऊपर, वो भी तक मेंशन है, वो जरूर प्रिंटेड है, बट इतने अच्छे से प्रिंटेड है कि वो 3D लुक लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि वहाँ पे भी अंदर से कुछ दिया हुआ है। ग्रिल की हम बात करें तो स्टीकर नहीं चिपका हुआ है, प्रॉपर डिज़ाइन दी हुई है। अगर हम साइड ग्लासेस की बात करें तो उसमें भी एक रिफ्लेक्टर अगर लगा देते तो बहुत अच्छा होता। और इन गाड़ियों में अगर गेट ओपन हो जाता ना तो क्या ही मजे आ जाते। तो अगर हम डिटेलिंग की बात कर रहे हैं तो अगर जहाँ जहाँ चाबी लगाते हैं वहाँ पे गोल गोल ऑप्शन दिया हुआ है छोटा सा, और नंबर प्लेट इसमें नहीं दी हुई है। सामने विस्टा का बैजिंग दिया हुआ है नंबर प्लेट की जगह, जो कि बहुत अच्छा है। और हम क्या बोल सकते हैं, इसमें क्या बता सकते हैं, बस बाकी तो बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत बढ़िया है। कलेक्ट करना है अगर आपको तो उसमें मैं आगे बताता हूँ क्या ऑप्शन है क्या नहीं है। नेक्स्ट गाड़ी हमारे पास है टाटा की जेस्ट। कलर जो है ना बहुत ही प्यारा लग रहा है, ब्लू दिया है एकदम रॉयल ब्लू, आप देख सकते हो पीछे से बैजिंग दी हुई है जेस्ट की, सामने भी दी हुई है बैजिंग जेस्ट की लिखा हुआ है। और इसके जो ग्लास है ना एकदम क्लियर क्रिस्प और बहुत ही प्यारे दिए हुए हैं। अगर हम डिटेलिंग की बात करें तो सेम है, ग्लास में दिया हुआ है। पीछे जो जेस्ट भी लिखा हुआ है प्रिंटेड है, ऐसा नहीं कि स्टिकर चिपका हो, स्टिकर तो कहीं पे भी इन लोगों ने कुछ भी नहीं चिपकाया है। ग्रिल की हम बात करें तो प्रॉपर ग्रिल की डिज़ाइन दी हुई है। अगर व्हील्स की हम बात करें तो व्हील्स ऑल दो प्लास्टिक की है, बट बहुत ही प्योर और अच्छी प्लास्टिक यूज़ की गई है, उसके डिज़ाइन भी बहुत क्रिस्प एंड क्लियर दिए हुए हैं। इसमें जो साइड ग्लासेस दिए उसमें भी थोड़ी सी डिज़ाइन है सिल्वर कलर की, और इसमें रिफ्लेक्टर दिए हुए हैं साइड ग्लास में। तो अगर हम बात करें टाटा ने जो गाड़ियाँ बनाई हैं वो बहुत प्यारी और बहुत डिटेलिंग में बनाई हैं। तो ये थी टाटा जेस्ट, और अब मैं दिखाता हूँ इसी की टाटा की एक और गाड़ी जो कि है वेंचर। ये है टाटा की वेंचर, इसकी भी हम डिटेलिंग देखें। इसमें मेरे को एक चीज़ बहुत अच्छी लगी, ड्राइवर साइड में और कंडक्टर साइड में दोनों में ग्लासेस नहीं है, तो वो बहुत अच्छा लुक दे रहा है। और अगर हम पीछे की बात करें तो उसके भी विंडोज ओपन है थोड़े से, हाफ और हाफ, बाकी जो बचे हुए वो सारे क्लोज्ड है। इसमें भी सारे ग्लासेस दिए हुए हैं, और अगर आप गाड़ी देख सकते हो फ्रंट साइड से भी कितनी प्यारी दी हुई है। और अगर हम पीछे की बात करें तो पीछे भी जो इसकी डिटेलिंग दी है वो बहुत अच्छे से दी हुई है, और साइड की तो आप देख ही चुके हो कितनी प्यारी दी हुई है। अगर हम इसमें बात करें तो अगर गेट्स अगर ओपन हो जाते हैं इनके तो बहुत ही प्यारा हो जाता। तो इन सब चीज़ें, इन सब गाड़ियों में एक चीज़ मिसिंग है जो कि है ओपनेबल गेट। अगर वो मिल जाता तो वो बहुत ही अच्छा हो जाता। और प्लस साथ में ये पुल बैक नहीं है, फ्री व्हील्स हैं, तो आप
चाहे रिवर्स लो चाहे फ्रंट लो, कैसे भी चला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पुल बैक होता तो अपने आप गाड़ी चलती, पुल बैक नहीं है तो आपको चलाना पड़ेगा। तो ऐसे ही मेरे वीडियोस देखने के लिए बने रहिए मेरे चैनल पे, और सब्सक्राइब भी कर दो, बेल आइकन को भी दबा दो, और अपने फ्रेंड्स लोग के साथ भी शेयर कर दो जरा सा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।